तो गाइस मुक्ता ने सारा मंदिर मंदिर साफ करके हैं, चमका चमकू के। हमारे बाबा देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, माता रानी देखो कितनी अच्छी लग रही है। हमने पूजा भी कर ली है और इनको भोग भी लगा दिया फ्रूट का। और ये वाले जो दो फ्रूट देख रहे हो, ये अभी मेरे पेट में जाने वाले हैं। फाइनली गाइस, आज यश को डांट ही नहीं पड़ी। तूने पड़ी है थोड़ी तो बोला था नहीं पड़ी है, बहुत, पड़ी है नहीं पड़ी, मतलब मतलब वैसे वाली नहीं पड़ी जैसे तेरे को अभी पिछले 2-3 दिन से पड़ रही थी। तो मुक्ता ने मम्मी को लगा दिया है आटा गूंदने, क्योंकि मुक्ता की उंगली में लगा हुआ है कट चाकू से। नया चाकू लाई थी, उससे अपना उंगली छिलवा ली है, कटवा लिया, छिपा कटवा लिया लिया। हाँ, आई उंगली। मीन कटवा लिया। तो वो चोर चोरी चोरी करके ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं चोर हूँ। यानी अच्छा नहीं था, झूठ बोल रहे थे नहीं, पहले। बहुत अच्छा था, मेरा पेट भर गया। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मैंने रखे हैं फास्ट। और अभी हम मंदिर को थोड़ा साफ करेंगे, थोड़ा जो हम कल नया मैट लेके आए थे वो बिछाएंगे, माता रानी को सजाएंगे, माता रानी को अपने आसन पे बिठाएंगे। और आज का दिन थोड़ा सा वैसा सा भी जाने वाला है, क्योंकि आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगने वाली है। 2-3 नवरात्रों के बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, बट जो पहला नवरात्र होता है उसमें अजीब अजीब सी, मतलब कहीं से कोई गार्लिक का तड़का लगाएगा ना कोई कोने में, कोई एक मतलब सात घर छोड़ के भी, तो भी उसकी खुशबू भी नाक तक पहुंच जाती है अपने आप। तो जल्दी से ब्लॉग को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर चाहिएगा। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? तो गाइस सवेरे 11:30 बजे उठे थे, मुक्ता 12 बजे उठी थी। और मुक्ता से अच्छा मंदिर कोई नहीं साफ कर सकता मेरे घर में। मुक्ता से अच्छी कोई गाड़ी साफ नहीं कर सकता, मुक्ता से अच्छा कोई मंदिर साफ नहीं कर सकता। तो मुक्ता अभी सारे भगवानों को नहला के उनको अपने अपने स्थान पर बिठा रही है ना मुक्ता? मुझसे नहीं होता ना वैसे मंदिर साफ। देखो मैंने ये साफ किया है, देखो ये पीताम्बरी से मैंने ये जोते साफ करी हैं, मैंने ये लोटा साफ करा है। तो जो मुझे आता था मैंने किया। अब मुक्ता तो की बारी है गाइस, ना। मुक्ता ने सारा मंदिर मंदिर साफ करके हैं, चमका चमकू के। हमारे बाबा देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, माता रानी देखो कितनी अच्छी लग रही है। हमने पूजा भी कर ली है और इनको भोग भी लगा दिया फ्रूट का। और ये वाले जो दो फ्रूट देख रहे हो, ये अभी मेरे पेट में जाने वाले हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर के लिए रखे हैं यहाँ पे माता रानी के आगे। तो अभी हम पियेंगे चाय, और भूख लग रही है बहुत तेज। मुक्त तुमने व्रत रखा आज का? इसने व्रत नहीं रखा है, मैं रखवा नहीं पाया, पर मैं इससे इन 8 दिनों में एक व्रत तो जरूर रखवाऊंगा, पूरे एक नहीं दिन होता फिर जोड़े ही रखवा दूंगा तो आधे मैं। दिन का व्रत तो वैसे ही हो जाता, कहाँ खाया पिया भी कुछ है। तो अभी बस चाय पियेंगे फटाफट से, आज तो चाय भी बहुत स्वाद लगने वाली है। ओ यश स्कूल से आ गया है, और फाइनली गाइस, आज यश को डांट ही नहीं पड़ी। तूने पड़ी है थोड़ी तो बोला था नहीं पड़ी है, बहुत, पड़ी है नहीं पड़ी, मतलब वैसे वाली नहीं पड़ी जैसे तेरे को अभी पिछले 2-3 दिन से पड़ रही थी। तो मेरा बेटा धीरे धीरे सुधर रहा है, ठीक है? तो बातें तूने कम करी होंगी, इस वजह से तेरे को डांट कम पड़ी होगी, है ना? तो अभी मुक्ता गई है पपीता लेने। 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से हमें पपीता नहीं मिल रहा था। हम काफी घूम रहे थे मार्केट में, कल भी हम जिस 9 सेक्टर की मार्केट में गए उसने पपीता नहीं रखा था, और जहां पे पपीता पड़ा था वो पपीते का साइज इतना बड़ा था कि वो 5 किलो 6 किलो का पपीता होगा, तो इतना तो हम खा नहीं सकते हैं। और यश भी काफी टाइम से मांग रहा था। तो अभी मुक्ता गई है सेक्टर 9 की मार्केट में, जो लाइफ के साथ में फ्रेश माई फ्रेश करके नया खुला है। यहाँ पे फ्रूट बहुत ज्यादा मतलब फ्रेश मिलते हैं। हम अभी 2-3 दिन पहले आए थे, तो हमारा ना वो ग्रेप फ्रूट खत्म हो गया था, तो हम ग्रेप फ्रूट लेने आए थे। और मतलब ना वो बहुत रेयर दुकानों पे मिलते हैं ग्रेप फ्रूट, वो वैसे कॉकटेल्स या मॉकटेल्स में डाल के पीते हैं उसको। तो पर वो जब वो ग्रेप फ्रूट लेके आई ना, वो मतलब वो इतना ज्यादा फ्रेश था, जूसी था, मतलब जबरदस्त था। मतलब बहुत फ्रेशली चीजें मिलती हैं यहाँ पे, अगर अगर आप वेजिटेबल्स की बात करो या फिर फ्रूट की बात करो। तो यश हंस क्यों रहा है? क्यों हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? क्या हंसने हंसने वाली क्या बात है इसमें?
तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7 और दोपहर को मुक्ता ने मुझे दिया था फ्रूट चाट और मतलब फ्रूट चाट के बाद मैंने इसको बोला भूख लग रही है, तो इसने 5 बजे मुझ पे तरस खा के मुझे वो सॉल्टी वाले चिप्स दिए, जो आज पहला दिन था तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, अब 3-4 दिन खाता रहूँगा तो ऐसा लगता है कि जीभ से कट गई है। तो अब शाम के 7 बज गए हैं और अभी भूख इतनी तेज़ लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मतलब पहला दिन था ना इस वजह से। जब ये 2-3 दिन हो जाएंगे ना उसके बाद फिर एक रेगुलर रूटीन बन जाएगा खाने पीने का, तो फिर व्रत का इतना पता ही नहीं चला करेगा। तो अभी मुक्ता से पूछते हैं कि मुक्ता क्या बना के दे रही है आज मुझ वर्ती को। तो मुक्ता ने ऑलरेडी कुछ तैयारी करके रखी हुई है, यहाँ आलू रखे हुए हैं और कुछ सामान रखा हुआ है, पता नहीं अब इसमें से क्या बना के खिलाएगी। तो मुक्ता पहले तो फिलहाल तुम्हारी एक नमकदानी अलग से जो रखती हूँ मैं नवरात्रों की, वो निकालूंगी और उसमें सामान डालूंगी। खाने में क्या दे रही? मैंने अलग कर दी। खाने में पेट पूजा में रात को भूख लग रही, आलू है इनके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। हाँ ठीक है, उसमें डालूंगी पनीर की भुर्जी बना के, अच्छा टमाटर का तड़का मार के, हरी मिर्ची धनिया डाल के, अच्छा सूखी सब्जी, अच्छा साथ में दूंगी तुमको दही, अच्छा दही के साथ होगी आलू मैश करके रोटी, अच्छा 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 अच्छा, साथ में होंगे पापड़, अच्छा और खीरा दे नहीं सकते रात को तो खीरा नहीं मिलेगा। तो ये बता वो स्वाद होगा ना जो मेरे को इस टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लग रही है और तुम्हारे नवरात्रे के खाने में सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि तीखापन नहीं होता है। मैं 2-2, 3-3 हरी मिर्ची डालती हूँ, फिर भी नहीं होता, पता नहीं तुम्हारे को, वैसे तो तुमसे मिर्ची खाई नहीं जाती, इधर 3-3 नहीं पता चलता। आज मन कर रहा आज तीखा खाने का? आज मैं तीखा बनाऊंगी, धुआं निकालूंगी तुम्हारे आज। तो मुक्ता ने मम्मी को लगा दिया है आटा गूंदने, क्योंकि मुक्ता की उंगली में लगा हुआ है कट चाकू से, नया चाकू लाई थी उससे अपना उंगली छिलवा ली है, कटवा लिया। तो मुक्ता ने जो सब्जी बनाई है, मुक्ता उसकी शक्ल दिखाएगी, देखने में अच्छी लग रही है, खाने में अगर मिर्ची नहीं हुई ना इसमें, मैंने 3 हरी मिर्ची लंबी लंबी साथ में देगी, मिर्च पाई है, हरी मिर्च वैसे दे देना, मिर्ची होनी चाहिए क्योंकि आज तीखा खाने का मन है। नवरात्रों में नहीं होती। तो तैयार हो गई है मेरी खाने की थाली, जिसको देख के रुका नहीं जा रहा, अब फटाफट से मैं पहले भोग लगा लूं और फिर उसके बाद खा के फिर टेस्ट करूंगा कि कैसा बनाया मुक्ता ने। फिर पड़ गया चैन खा के, अभी थोड़ा रुका नहीं गया, इतनी भूख लग रही थी। और आज पनीर नहीं है बस इसमें। अच्छा 3 हरी मिर्ची फिर देगी मिर्च, नहीं पता चल रहा पर अच्छा है ना, कम मिर्ची लग रही है, जलन नहीं होएगी। तो ये है अब राहुल जी की थाली, और उसके बाद भी मुझे पता क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हो, लोगों की बीवियां कितना कुछ बनाती है, तू तो कुछ नहीं देती बना के ढंग से, शक्ल दिखाओ, यही है वो ये भोला इंसान ना, ये जब नवरात्रे खत्म होने वाले होते हैं ना तब ये डायलॉग मुझे हर नवरात्रों में पड़ता है। तो गाइस डिनर मेरा हो गया है और जिस टाइम मुक्ता ने मुझे खाना दिया उस टाइम मैं लिटरली गिरने वाला था, क्योंकि हालत ऐसी हो रही थी, मेरे से भूख भी नहीं लगाया जा रहा था, और मुक्ता कहती तुमने शूट नहीं किया, तो मैंने कहा खाने दे बस अब, तो भी करके मुक्ता ने वो मेरे खाते हुए को शूट किया। तो मुक्ता भी अपना अभी डिनर कर रही है। तो मुक्ता तुम्हें कैसा लगा था, मतलब तुम्हें कैसा लगा क्या खाना जो तुमने बनाया, तीखा है? मुझे तो लगा तीखा और मुझे तो स्वाद भी लगा, मुझे मेरा आज का खाना वैसे भी बहुत स्वाद लगता है। अब वो चोरी करके ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं चोर हूँ, यानी अच्छा नहीं था, झूठ बोल रहे थे। नहीं बहुत अच्छा था, मेरा पेट भर गया। तो गाइस भर गया मतलब क्या है आज तो इस बारे में मतलब बताओ तुम मुझे, मतलब मेरी भूख मिट गई है, अगर मुझे स्वाद नहीं लगता तो मैं थोड़ी ना खाता। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरा पेट खाली हो जाएगा और फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी। तो आज के इस ब्लॉग में गाइस इतना ही, होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को एक सब्सक्राइब देके जरूर जाइएगा अपना, और अगर पुराने हो तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखें।